नमस्कार वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवी नमत से। दोस्तों, एक महीने के बाद लगभग नगर परिषद चुनाव होने वाले हैं और आज हम नगर परिषद कन्हान का सबसे पहला रुझान आपके सामने लेकर आया हूं कि आखिर वहां नगर परिषद कन्हान अंतर्गत जो जितने वार्ड है और इस बार जो वार्ड वाइज यहां पे डिवाइडेशन किया गया है तो उस वार्ड की भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इस वीडियो में बताते हैं वार्ड नंबर 2 से विष्णु लक्ष्मी नगर जिसे कहा जाता है वहाँ पर लोग कितने खुश हैं या फिर खुश नहीं है या फिर जो लोग बैठे हैं अभी सत्ता पक्ष में उसे वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तमाम जानकारी खुलेआम सबसे पहले आप तक मैं लेकर आया हूँ। और सबसे पहला रुझान नगर परिषद को लेकर के है। पिछली बार आए थे आप, फोटो लेके जाओ। वहाँ पे पूरा रोड नहीं है, अंधेरा है। मैंने कितनी बार बोला है पुल पे लाइट लगा दो, MECB वालों को भी बोला, इधर नगर परिषद वालों को भी बोला, लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं है और कुछ नहीं। अच्छा, रात में जैसे सांप वगैरह कुछ ऐसे निकलते निकलते अभी ये पिछले 15 दिन पहले इनके घर में घुस रहा था सांप। अच्छा, मेरे घर में आया था सांप, इनके घर में, और वो भी छोटा मोटा नहीं। सारे गंदगी पडून आहेत, जसंच्या तसं आता किती वर्षाचं काय ना रोड बनत ना काय, नळाचा पाईप टाकत ना काय नाही टाकून राहिले। नगर परिषदेतला कोणी येते का इथं? कोणीच नाही येत। काम होते? काम नाही होत। जे सांगून भी नगर परिषद मध्ये कंपलट करून भी येते कुणी नाही येत। दुबारा तेच लोक बसायला पाहिजे की नाही बसायला पाहिजे? नाही पाहिजे ते लोक, दुसरे नवीन लोक पाहिजेत। नगर परिषद के जो अभी लोग बैठे हैं बॉडी में, 5 साल से काम कर रहे हैं और 5 साल से आपने काम देखा है, अच्छा है बुरा है आपको मालूम है ना, आप लोग यहाँ के रहवासी है, तो क्या लगता है कि नगर परिषद में जो लोग बैठे हैं उससे आप लोग खुश हैं उनके काम? नहीं 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 नहीं, कोई खुश नहीं है। यहाँ नजर ही नहीं आते उन लोग 5 साल से। ऐसा माना जाता है जो अध्यक्ष बैठे हैं नगर परिषद में अभी 2.5 साल से, वो बहुत पुराने राजनीति का अनुभव है उनको माना जाता है, तो उनने बहुत अच्छा नगर परिषद चलाया है ऐसा कुछ लोगों का? हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि हमारे इधर कोई ध्यान ही नहीं ना, कोई ध्यान नहीं। आपको क्या लगता है, ध्यान देते कि नहीं देते? नहीं देते, नहीं देते, बोल बोल कि हम उसको थक गए। थक गए? हाँ। मतलब इस बार ऐसा लगता है कि नगर परिषद में बदलने चाहिए लोग? बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। वही वही नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है भैया, बदलना चाहिए कि ठीक है? बदलना चाहिए। सबसे ज्यादा परेशानी कौन से मौसम में होती होंगी आप लोगों को? सबसे ज्यादा तो वही तो 12 महीने गए, लेकिन बारिश में सबसे बारिश में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। नाली नहीं है, पानी नहीं निकलती होंगे, पानी जमा हो जाते होंगे, कीड़े मच्छर डेंगू ऐसी कई बीमारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी नगर परिषद की तरफ से स्कूल कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। एक ही काम एक भी ना एक ना काम तुम्हें खुश आए का नहीं है? तुम्हें खुश आए नगर परिषद? नहीं, हमारे काम पाए नगर परिषदेतला कोणी येते का पाहण्यासाठी? कोणीच नाही येणार। काम होते का? काम बिलकुल होत नाही ना, 5 वर्षात एकही काम नाही, एकही काम नाही केला। खुश आहे का तुम्ही नगर परिषद? तुम्ही आम्ही नगर परिषदेत खुशच नाही ना, कामरे ह्या लावून दिला खंबा आणि हे लाईट आणि येऊन राहिली तर बिलकुल काहीच नाही। खंबा किती दिवस झाले लागला? दोन तीन वर्ष येऊन राहिले, 3 वर्ष खंबा लागला, खंबा लागला, लाईट बिलकुल नाही आली। अप्लिकेशन वगैरे बताया? बहुत जण झाले, बहुत वेळा केल्या, कोणीच नाही आला। नगर परिषद का भी कोई कोई नाही आया? थोडी बहुत आहे। खंब्याचे लाईट, खंब्याचे लाईट हे आहे, चालू आहे का? नाही बंद आहे। बंद आहे? बंद आहे सारे। आणि इथं नाल्या नाही? नाल्या नाही आहे, पाणी लय आहे घराच्या मग। पाणी येते बरोबर? पाणी तर येते, नलक्या थोडं थोडं पाणी येते, नलक्याला थोडं थोडं पाणी येते। आणखी नगर परिषदेवर तुम्ही त्यांच्या कामावर खुश आहे की नाही आहे? चांगला, थोडं बहुत चांगला आहो। नगर परिषद में आप लोग गए कोई काम को लेकर के? हाँ। हमारा ये काम है वो काम है, यहाँ की समस्या को लेकर के कभी गए आप लोग? कोई गए? हाँ, हाँ? करके चले जाते गए, कच्चा काड़ी इतना है, अपना झाड़ उड़े लगा है। हाँ। हर मुद्दा मानते हैं वो। हाँ हाँ, पर पूरा काम करते नहीं है, पूरा काम नहीं है। अच्छा, हाँ वो बना देंगे हम, वो देंगे। अभी अभी यहाँ के जो मेंबर टेम्बर है वो गए करने के लिए कि हमको ऐसे नाली दो बना के, ये काड़ी कचरा बहुत पड़ा है उसको थोड़ा सा साफ कर दो। तो कोई आते तो नहीं, कितना कितना यहाँ पे कचरा पड़ा है, अभी तुमको भी तो दिखता है, इधर में भी है, इधर में भी है, तो कुछ भी व्यवस्था नहीं करते। नगर परिषद में बदल होना चाहिए क्या इस बार? हाँ, नगर परिषद में वो करना चाहिए उन लोगों ने। नहीं, जो लोग अभी बैठे हैं ऐसे लोग फिर से चाहिए कि दूसरे लोग चाहिए? अच्छे लोग चाहिए ना बैठने के लिए। अभी यहाँ पे वोट देने के लिए तो बोलते हमको पढ़ लाना, वोट दे दो, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे।
लेकिन कोई तो नहीं करता है। जैसे नेता लोग चुन के आए, जैसे रामा रेड्डी आए थे, आए उन्होंने देखा और कहा भी कि 2 महीने के अंदर बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या बनाने की बात? जैसे नालिया बनाने की बात की थी उन्होंने, लेकिन बनाए नहीं। और दूसरी बात बोलो तो जैसे कि हमारे यहाँ से हमारे बच्चे लोगों का हमेशा एक्सीडेंट वगैरह होते रहता है रोड पे। हाँ, अभी उसी दिन हो गया था। और जैसे कि वो लाइट वगैरह हमारे मोहल्ले में है नहीं, आते भी है लेकिन देखो बिजली वाले आते हैं लेकिन ऐसे कोई ये नहीं करता। खंबे है, लाइट लगा दिए, अभी दूसरी बार आते भी नहीं है, कुछ नहीं इंक्वायरी करते नहीं है। लाइट है लेकिन लाइट में कनेक्शन नहीं। कनेक्शन भी है लेकिन एक बार चालू कर दिए, अभी कोई ऐसा नहीं कि इसका फ्यूज उड़ गया कि नहीं उड़ा, वो देखने ये नहीं आते। सिर्फ सुधार एक ही हुआ है कि रोड बने हैं, बस रोड बने, उसके अलावा कुछ भी नहीं, बस। अच्छा, नगर परिषद से आप लोग मतलब पूरे खुश हैं कि पूरे खुश नहीं? कुछ काम से खुश है, कुछ काम से, खास करके हमारे मोहल्ले में तो कुछ भी नहीं। मतलब नगर परिषद के 5 साल के जो कार्यकाल है अभी जो चल रहे हैं, सत्ता पे बैठे अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग बैठे हैं, समाधान है कि नहीं? नहीं है। तो दोस्तों देखा कि आखिर नगर परिषद से लोग कितने खुश है या नाराज हैं। और बहुत जल्द दूसरे वार्ड का और दूसरे नगर के सर्वे हम आप तक लेकर आएंगे कि आखिर वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। तो इंतज़ार कीजिए दूसरे वीडियो का, बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा। मैं आपका दोस्त वीर सिंह नवीनवास से, जय हिंद।